भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना ने मंगलवार को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। सुरेश रैना ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर इसकी जानकारी दी है। इससे पहले सुरेश रैना ने साल 2020 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया था। हालांकि वे इंडियन प्रीमियर लीग खेल रहे थे, लेकिन पिछले साल आईपीएल की किसी भी फ्रेंचाइजी ने उन्हें नहीं खरीदा था। वे उत्तर प्रदेश से घरेलू क्रिकेट भी खेल रहे थे, लेकिन अब उन्होंने सभी क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। सुरेश रैना ने अपने ट्वीट में लिखा कि देश और उत्तर प्रदेश राज्य के लिए क्रिकेट खेलना मेरे लिए गर्व की बात है। मैं अब क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से अपने संन्यास का ऐलान करता हूं। साथ ही मैं बीसीसीआई, यूपी क्रिकेट संघ, आईपीएल टीम, सीएसके और राजीव शुक्ला का धन्यवाद करता हूं। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे फैंस को भी शुक्रिया। रिपोर्ट से ऐसी जानकारी मिल रही है कि सुरेश रैना यूपी क्रिकेट संघ से एनओसी ले ली है, अब विदेशी लीग में खेलते नजर आ सकते हैं। यह भी बताया जा रहा है कि इसी साल होने वाली रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में सुरेश रैना खेलते दिखाई दे सकते हैं। सुरेश रैना की इंटरनेशनल क्रिकेट करियर की बात करें तो उन्होंने 18 टेस्ट मुकाबलों में 768 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक भी शामिल है। सुरेश रैना ने भारत के लिए 226 वनडे मैच खेले हैं। इस दौरान उन्होंने 5615 रन बनाए हैं, जिसमें 5 शतक भी शामिल है। वहीं 78 T20 मैच में उन्होंने 1604 रन बनाए हैं।